वाईफाई करी पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई करी पॉइंट पर आज ट्वेल्थ फोर्थ मेडिसिन तैयारी की क्वेश्चन सीरीज जो कि आधुनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उस क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उसमें आंसर को कैसे डील करेंगे। तो आंसर को बनाना सीखेंगे और क्वेश्चन को पकड़ना सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाए और एक क्वेश्चन से कितने प्रकार के आंसर बनाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ सीखेंगे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आंसर को कैसे बनाया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है, क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को साम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में ये लगा लो कि H2SO4 एक निर्जलीय कारक है। निर्जलीय कारक है मतलब एल्कोहल को बिना जल का बनाने वाला है, वो जल को बाहर कर देगा। ये तो दिमाग में रखना ही निर्जलीय कारक होता है, ये निर्जलीय कारक का काम करेगा। और आप सिंपल भाषा में समझ लो, जिसमें ज्यादा गर्म करोगे उसमें ज्यादा वाटर निकलेगा और जिसको कम गर्म करोगे कम वाटर निकलेगा। यही होता है कि ये दो कंडीशन पर काम करेगा। चलिए हम देखते हैं कितने आंसर देता है रिएक्शन। तो सबसे पहले ध्यान दें, पहला आंसर इसका हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर फर्स्ट आंसर देंगे। फर्स्ट आंसर क्या करा, एथिल एल्कोहल पर लिख लेंगे। एथिल एल्कोहल लिखने का तरीका क्या होता है, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, ये होता है CH3CH2OH, जिसको आप सिंपल भाषा में लिखते हैं C2H5। सिंपल भाषा में लिखते हैं C2H5OH। सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर क्या किया जा रहा है इस रिएक्शन में, इसको हम क्या करेंगे बताओ, इसको हम क्या करेंगे, H2SO4 जो कि सांद्र होगा उसकी उपस्थिति क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ध्यान दें गर्म करेंगे। इसमें ध्यान दें कि जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वह अबाउट 160 डिग्री टेम्परेचर का है और यह मात्रा फिक्स है। अब जब हम गर्म करेंगे तो पता है वाटर निकलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पोजिशन अगर देखा जाए तो यह पोजिशन होगा अल्फा और यह पोजिशन होगा बीटा। अल्फा से क्या निकलेगा, OH, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। अब दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे और इसको बना क्या देंगे, इसको बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इसको बना देंगे C2H4 और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका H2O। इसको क्या नाम देते हैं, ये बन जाएगा आपका एथीन। क्या बन जाएगा आपका एथीन। चलो इसको देखते हैं। तो सामान्यतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसको हम लिखें एक स्ट्रक्चर में नॉर्मली भी लिखें तो ये आपका एच होगा, ये क्या होगा CH2 होगा और यहाँ क्या है आपका OH है। तो कर्ता क्या है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर चला जाता है और ये बॉन्ड लेकर चला जाता है, ये OH माइनस और ये H+ आपस में क्या बना देते हैं, माइनस H2O के रूप में बाहर चले जाते हैं। जब इसको किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो यही बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बन जाता है, एथिन बन जाता है। लेकिन ये ध्यान दें कि टेम्परेचर अबाउट 150 के ऊपर हो और ये भी एथिल एल्कोहल लिमिट हो तब ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं एथिल एल्कोहल की मात्रा को बढ़ा दूं, किसकी मात्रा को, एथिल एल्कोहल की मात्रा को बढ़ा दूं, तो कुछ और होने वाला हो जाता है, कुछ और हो जाता है जब इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। ये तो गैस के रूप में गैस बनाता है, लेकिन जब क्या करते हैं एथिल एल्कोहल की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं, दैट इज ये CH3, यही CH3CH2 और यही आपका OH जो होता है। अगर इसको हम क्या कर दें, इसकी मात्रा को क्या लिख दें, अधिक लिख दें, क्या लिख दें, अधिक लिख दें, या हमें अधिक लिख दें या अधिक न लिखकर आप यहां पर दो मोल लगा दें, दो मोल को भी तो अधिक कर सकते हैं। और H2SO4 की उपस्थिति में इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। तो बताओ जब गर्म करेंगे ये टेम्परेचर अबाउट कितना होगा, 140 डिग्री का होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वाटर जब निकलेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा CH3CH2, ये O होगा, फिर CH2CH3 बनाएगा, जिसको सिंपल भाषा में लिखते हैं C2H5O और C2H5
C2H5 लिखते हैं, जिसको बोला जाता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, जिसका नाम होता है डाई एथिल ईथर होता है। और ये एल्कोहल से भी अधिक वाष्पशील होता है, बोला टाइल होता है वो बन जाता है डाई एथिल ईथर। ये देखो कमाल की समरा, मतलब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करके एथिन भी बना सकते हैं, लेकिन वह जब बनाएंगे ये मात्रा क्या होगी, लिमिट होगी, एक मोल होगी। और ये मात्रा आप खुद देख सकते हैं कितने मोल सापेक्ष अधिक मात्रा का, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू सी एस थ्री, इसको हम लिख सकते हैं सी एस टू, और फोर एच होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये रिएक्शन करेगा इसकी उपस्थिति में एच टू से फोर और डेल्टा लग जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू, यहाँ पर ओ होगा, ये क्या होगा सी एस टू और सी एस थ्री बनेगा। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, अगर इसको हम और थोड़ा सा आपको सिंपली भाषा में इसको रिएक्शन को दिखाएं तो इसका क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं, इसको मैसेज लिख सकते हैं सी एस थ्री, इसको लिख सकते हैं सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस टू होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, फिर अगला भी आएगा क्योंकि इस घर में वाटर निकालना है, तो वाटर निकालने के भाई वाटर अपने तरफ आएगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या होगा, ये आपका होगा H और O होगा, ये आपका सी एस टू होगा, ये क्या होगा सी एस थ्री होगा। ये ध्यान दे, मैं इसको ट्रिकी अंदाज दे रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आपको आंसर बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ से ओ एच गया, यहाँ से एच गया, क्या लेकर गया एच टू को लेकर गया, और आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सी एस थ्री और ये हो जाएगा सी एस टू। ओ माइनस वाला किसको जोड़ेगा, इस सी एस टू को जोड़ेगा, और अगला क्या हो जाएगा आपका सी एस थ्री हो जाएगा, और आपका बन गया डाई एथिलीथर, बन गया आपका डाई एथिलीथर बन गया, मतलब ये अधिक वाष्पशील होता है इससे एथिल अल्कोहल, ये आपका बन गया। तो बताइए जब हम उसकी लिमिट मात्रा को गर्म करेंगे एच2SO4 के साथ एथिन बनेगा जो गैस के रूप बनेगा, और जब उसकी अधिक मात्रा का गर्म करेंगे तो हमें और वाष्पशील अधिक एल्कोहल से भी ज्यादा वाष्पशील क्या मिल रहा है ईथर मिलेगा, ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर पाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। जब एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या, C2H5Br को किसके साथ गर्म किया जा रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड मतलब C2H5ON में ये फार्मूला होता है, उसको गर्म किया गया, और जब इसके साथ गर्म किया जाता है तो बनता क्या है, फिर से बनने वाला है, क्या बनने वाला है C2H5, ये O हो जाएगा और ये हो जाएगा C2H5। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये बना क्या, ये आपका जो उत्पाद बना हुआ है, इस उत्पाद का नाम है डाइथीथर, और बाहर कौन जाता है माइनस एस, आपका क्या करेगा सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा बाहर चला जाता है, इसे कह क्या कहते हैं, ये आपका बना हुआ है डाई एथिल ईथर, क्या बन गया आपका डाई एथिल ईथर, आपको फिर मिल जाएगा डाइथिल ईथर, आपको फिर मिल जाएगा, ये आपको मिल गया डाइथिल ईथर आपको मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, यही रिएक्शन, यही जो प्रोसेस दिया गया है, इसी को हम एक नाम देते हैं विलियमसन, क्या नाम देते हैं विलियमसन संश्लेषण, क्या नाम देते हैं विलियमसन संश्लेषण, किस नाम जाना जाता है विलियमसन संश्लेषण, जिसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, क्या कहते हैं विलियमसन, इसको कहते हैं विलियमसन क्या, इसको विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस भी होता है, अब विलियमसन सिंथेसिस डायरेक्ट ना पूछकर ये बोल दिया कि जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, ये गर्म करने में यही बनता है, और इसी को हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, मतलब ये डाइथिल ईथर बनाने की एक विधि है, एक मेथड है, यहां खुद देख सकते हैं ये बनाया गया है। अगर इसको हम और नार्मल रूप में देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं CaCS3 है, ये क्या है CS2 है, यहां पे ब्रोमाइड है, मैं इसको Na को इधर ला रहा हूं, ये Na है, ये O है, ये क्या आपका है इसके साथ CS2 लगा हुआ है, क्या है ये CS3, रिएक्शन को हिट किया गया, जब इसको हमने हिट किया तो आप खुद देख सकते हैं कि Na Br जाएगा बाहर,
यन्ने बियर गया बाहर, आपका यन्ने बियर हो गया बाहर। ये डेट क्या क्या बनाया क्या बताओ, आपको बन गया सी एस थ्री सी एस टू, फिर क्या बन गया ओ सी एस टू और सी एस टू, दैट इज डाइथिल ईथर आपका बन गया। ये हुआ मतलब क्वेश्चन एक आंसर दो, क्वेश्चन एक आंसर दो, वह इस सेकंड क्वेश्चन में भी वही हुआ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी वही हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या मिला हमें, एथिन मिला और एथिल डाइथिल ईथर मिला, और क्वेश्चन सेकंड में आंसर तो एक है लेकिन क्वेश्चन इसमें दो बन रहे हैं। हमने बिलेटर सिंथेसिस का भी नाम भी सुन लिया, और मैं बताना चाहता हूं कि एथिल एल्कोहल से कई गुना अधिक वाष्पशील होता है डाइथिल ईथर, डाइथिलर, और जितना ज्यादा वाष्पशील होता है वह उतना ही ज्यादा क्या होता है ठंडक देता है, ठंडा होता है, कूल होता है।